पंजाब का एक इंसेंटिव होता है कुछ जमीन के लिए, उसमें कुछ म्यादा के तौर पर मलिक कैमूर मसूद स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग हॉकी स्टेडियम में आए हैं क्रिकेट मैच देखने के, एशिया कप का फाइनल श्रीलंका के खिलाफ। और अभी मैच के दौरान वक्फा है, एक इनिंग हो गई है और अब हम लोगों से पूछेंगे, 170 का टारगेट मिला, अब लोगों से पूछेंगे कि ये पाकिस्तान चेज कर पाएगा कि या नहीं। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुसी मैच देखे हैं, 170 का टारगेट है, पाकिस्तान चेज करेगा या नहीं? इंशाल्लाह चेज करेंगे और इंशाल्लाह मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसने दी है अभी पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप में, कौन सा खिलाड़ी आपको अच्छा लगा? इंशाल्लाह सब ने अच्छा खेला है, दिल लगा के खेला है और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह हम जीतेंगे और इंडिया को बताएंगे कि हम फाइनल जीत सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी भैया, आप मैच देखने आए हैं तो 170 का टारगेट मिला, आप क्या कहते हैं इस बारे में, पाकिस्तान चेज करेगा? इस बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा टारगेट होगा ना तो उतना ज़्यादा ये अटेम्प्टेशन के ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये अटैकिंग प्ले करेगा पाकिस्तान और इंशाल्लाह जीत जाएगा इंशाल्लाह। और आपको कौन सा प्लेयर अभी मतलब कि अच्छा लगे अभी बॉलिंग में? बॉलिंग में तो अभी जो सारों ने बॉल नो डाउट सारों ने अच्छी किया बॉल, नसीम शाह ने भी अच्छी की है, रऊफ ने भी अच्छी की है, हुसनैन ने भी अच्छी की है, बट जो चांसेस जो बॉलिंग जिसने बॉल बीच में से अच्छे भी निकाले हैं तो वो नसीम शाह है, और मिसफील्ड काफ़ी हुई है उसकी वजह से वो बैड है, पर चलो चलता है। और आप शादाब के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने दो कैच छोड़े हैं? शादाब इज सच अ गुड प्लेयर, वो बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है, पर मैच है, खेल है, हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कैच ड्रॉप भी हो जाता है, कभी फिक्स कैच पकड़ भी लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं है। हम इंडिया की तरह नहीं है, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग यही कहेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका, टारगेट मिला फाइनल में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान चेज करेगा? वालेकुम अस्सलाम। ऑब्वियसली बात चेज करेगा, मतलब हमें यकीन है इस बात का कि चेज करेगा पाकिस्तान। हाँ, उनमें से भी अच्छी इनिंग्स खेली, हसारंगा ने अच्छी खेली, राजा पस्का ने अच्छी खेली, आखिरी दो पार्टनरशिप्स जी हो उनकी 50+ पार्टनरशिप्स थी जो कि बहुत अच्छा खेला उन्होंने। हम जो अच्छा खेलता है उसको अप्रिशिएट करते हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह पाकिस्तान चेज करेगा और इंशाल्लाह आज बाबर जो है वो स्कोर करेगा इंशाल्लाह। और आप क्या कहते हैं, शादाब ने दो कैच छोड़े हैं इस बारे में? देखिए, वो उसका तो कोई वो मतलब नहीं बनता, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें अपनी टीम पर यकीन है वो चेज करेगी इंशाल्लाह, बाकी आगे देखें, दुआएं हमारी हमारी टीम के साथ। लेकिन भाई 170 का टारगेट मिला पाकिस्तान को फाइनल में, तो आप क्या कहते हैं पाकिस्तान चेज करेगा? इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान बिल्कुल चेज करेगा, अगर 90-70 की अगर इनकी पार्टनरशिप रही तो इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान जीतेगा। तो बाबर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाबर कितना रन करेगा? बाबर इंशाल्लाह देखें, अगर आज उसने 50-70-60 रन किया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा और हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान। और शादाब के बारे में आप क्या कहते हैं, शादाब ने दो कैच छोड़े हैं, आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? बस जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और जो ये कैच ड्रॉप हुए इंशाल्लाह बैटिंग पे इंशाल्लाह कसर निकलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यार बंद कर यार कैमरा, यार इतना अच्छा पाकिस्तान जीत रहा था, अब देखे लोगों का, मैंने रिएक्शन लेना था, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया पाकिस्तान को, ये देखे सारे लोग जा रहे हैं, मैंने इंटरव्यू करने थे लोगों से, मैंने फेमस होना था इस मैच की वजह से, ये क्या हो रहा है, ये देखे, ये भाई भाई कैसा मैच लगा आपको? तो मज़ा आया मैच का, दिल टूट के रह गया यार, इनको क्या समझाए यार। यार भाई तुम ही इधर आ यार, मैनू हौसला दे। जीतने की ख्वाहिश से आए थे, पाकिस्तान फाइनल जीतेगा एशिया कप का, लेकिन इनको देख के दिल टूट के रह गया। वही जो बातें मैंने कही थी अपनी पहली वीडियो में कि यार इनको अपना मिडल ऑर्डर सेट करना नहीं आ रहा, इनको ये नहीं पता चल रहा कि हमने करना क्या, किसको पहले भेजना किसको बाद। हम मैच देखने आए थे हॉकी स्टेडियम में लाहौर में, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एशिया कप का फाइनल, तो अभी पाकिस्तान बिल्कुल हारने वाला है, मतलब हार चुका है, शादाब खान भी आउट हो गया है, अब हारिस रऊफ क्रीज पे मौजूद हैं और उसके साथ अपने उर्वशी रटेला का आशिक आएगा, मेरा मतलब है नसीम शाह आएगा, और देखते हैं वो क्या करता है।
तो हमने रिएक्शन देना था, वो अभी इसीलिए दे रहे हैं, रोने वाला रिएक्शन आ रहा है। तो हमें उम्मीद थी पाकिस्तान जीतेगा लेकिन हार रहा है, बहुत अफसोस हुआ, तो दिल टूट गया। बस छोड़ दो यार वीडियो, क्यों बना रहे हो वीडियो। शायक ने क्रिकेट का दिल टूट चुका है, पाकिस्तान ऑलमोस्ट हार गया है। अभी कितना हुआ है, 128 नौ आउट, हसनैन और राहू खेल रहे हैं और हम लोग VIP इनक्लोजर में आ गए हैं, सारे लोग उठ के मैच देख रहे हैं। ये दिखाएं लोगों को, आए लोगों का रिएक्शन लेते हैं, गुस्से में हैं, हो सकता है इस रिएक्शन से मुझे मार भी पड़ जाए, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ देना है और देखते हैं अब क्या कहते हैं। आए आए आप साथ साथ, अभी बहुत मैच बड़ा हुआ है, 10 बॉलें पड़ी हुई हैं, पाकिस्तान हार सकता है, अच्छे तरीके से हार सकता है अभी तो।